नहीं, तुम्हारे बारे में अभी नहीं बताया। क्यों? देखो, ये बातें ना फोन पर नहीं होती हैं, ऐसी बातें आमने सामने बैठ के होती हैं। और फिर वो जो उनके फादर हैं, वो शायद कोई बिरादरी सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वो बेचारा घबरा रहा था कि अगर मैंने फोन पे उनसे कहा तो कहीं वो मना ही ना कर दें। तो वो तो आमने सामने भी मना कर सकते हैं, जब इतना ही वो बिरादरी सिस्टम उसके फादर फॉलो करते हैं। तो नदीम को पहले सोचना चाहिए था, जानता नहीं था अपनी फैमिली को। वो कैसे सोचता, मोहब्बत जो हो गई उसे, प्यार करता है तुमसे बहुत ज्यादा। अगर उसके पेरेंट्स ना माने तो? बहुत कॉन्फिडेंट है, अकलौता बेटा है, मना लेगा। ठीक है, फिर कल मैं और आप चलते हैं और बात करते हैं उससे। नहीं उसरा, अभी तुम्हें घर पे रहना चाहिए। देखो, तुम्हारे घर पे रहने से फारूक भी खुश हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी हम फारूक को नाराज करें। देखो, ये चीज़ हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते। मैं फारूक को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, एक बात पे अगर वो अड़ गया ना, फिर सारी जिंदगी बात नहीं मानेगा। अगर नाराज होते हैं तो होने दें, मैं कोई नाजायज बात तो नहीं कर रही, अपना हक मांग रही हूँ। अगर ऐसे नहीं देंगे ना, तो जबरदस्ती छीन के लूंगी, लेकिन मैं उनकी कोई नाजायज बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।